सो गाइस, अभी बज रहे हैं 4 और मैं नींद नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि वेट कर चल रहा है तो बिना पानी के। पर जैसे वेट कर होता है मैं ये खाऊंगा सारी चीज़ें। 1 बिस्किट, नमकीन, फिर मटन। मटन अब खाया जाएगा खाना। बस बहुत बहुत वो कर रहे थे कल ये। तो मेरा प्राइमरी मोटिवेशन ये है कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकेंडरी बेल्ट और पैसा सेकेंडरी है। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग होगा मेरी वेट कट के बारे में। सो अभी मेरा वेट है 59.4 और मुझे वेट करना है 56.7 फॉर फ्लाई वेट टाइटल के लिए। और अभी मुझे लाइक 2.7 केजी वेट कम करना है। सो ये व्लॉग मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो भी फाइटर्स जिनको वेट लॉस करना है, जिनको नहीं पता क्या क्या करना होता है। सो आई मीन देखो, जो जब मेरा वेट था लगभग 64 केजी था, लाइक दो हफ्ते पहले, हाँ, तो मतलब मेरे साथ इतनी दिक्कत नहीं है वेट कट की। और जो मेरा परसों वेट था 63 केजी, हाँ, मतलब मैं यहाँ आया था कल, परसों हम दिल्ली आए थे तो दिल्ली में मेरा वेट था 63 केजी। अभी मेरा वेट आ रहा है 59.4। सो क्या होता है कि जो लास्ट का हफ्ता होता है ना, लास्ट के 10 दिन लगा लो आप, तो 10 दिन पहले आप 5 लीटर पानी पीते हो, वाटर लोडिंग में 10 दिन पहले या 7 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे 7 दिन पहले मैं 6 लीटर पानी पी रहा हूँ, ठीक है, 5 दिन पहले मैं 6 लीटर पानी पी रहा हूँ, फिर 4 दिन पहले 8 लीटर, 3 दिन पहले 8 लीटर, 2 दिन पहले 8 लीटर, 1 दिन पहले 8 लीटर, और मतलब कल मैंने पानी पिया था 4 लीटर और आज मैंने पानी पिया सिर्फ 1 लीटर। सो इस ऑल जो अभी वेट कट हो रहा है सब वाटर वेट है। और मतलब साथ साथ क्या करना होता है कि जो लास्ट के 3-4 दिन हैं उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ते हैं और प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है। और लास्ट के 2 दिन हैं, जैसे कल हमने सुबह अंडे खाए थे और मतलब परसों, हाँ परसों मैंने दिन को मटन खाया था और शाम को अंडे खाए थे, और कल मैंने 1 अंडा खाया था मॉर्निंग में, उसके बाद दिन को 2 अंडे और ऐसे करके मतलब रात को फिश। और आज हमने मैंने सुबह खाया था सैलड, या सैलड। सो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब मैकेनिज्म होता है पूरा, और मैं आपको ये पूरे ब्लॉग में बनाऊंगा अगर मैं हो सके तो, अगर मैं फाइट जीतता हूँ, देखते हैं कि जीतता हूँ कि नहीं। मेहनत पूरी है पर उसके बाद मैं ये ब्लॉग डालूंगा। तो फाइट लगभग 8 बजे होगी, देखते हैं क्या होता है। ये मेरे फर्स्ट फ़ाइट है, इंटरनेशनल फ़ाइट है, और मतलब मेहनत पूरी है इस समय, और मतलब पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौके मिल रहा है। लाइक इस फाइट के लिए आई मीन पेचक सबसे बड़ा है, अभी तक का मेरा पेचक सबसे बड़ा है। आई मीन क्या बताऊँ आपको, मे बी मैं डिस्क्लोज़ करूँ सून, पर अभी तक का जो सबसे बड़ा पेचक है मेरा। और मतलब बात यहाँ पेचक की नहीं है, बात टाइटल बेल्ट की भी नहीं है, बात यह है कि मैं इतनी बड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं हार नहीं सकता। यू नो, मैं ऑब्वियस है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो मेरा प्राइमरी मोटिवेशन ये है कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकेंडरी बेल्ट और पैसा सेकेंडरी है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी अब जाके थोड़ा थोड़ा वीकनेस आ रही है, मतलब क्योंकि अब वेट लॉस हो रहा है तो अपने आप ही वेट श्रेडेड हो रहा है, मतलब क्योंकि बॉडी में सिर्फ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है। तो अब थोड़ा बहुत झुंझुना, मतलब थोड़ा बहुत वीकनेस हो गया और ये सब हो रहा है, बट इट्स फाइन। आई मीन स्ट्रेटेड हो रहा हूँ मैं धीरे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 4 और मैं नींद नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि वेट कट चल रहा है तो बिना पानी के। पर जैसे वेट कट होता है मैं ये खाऊंगा सारी चीज़ें। 1 बिस्किट, नमकीन, अमिंदर के मजे हैं बस।
सो अभी 600 ग्राम है बस, ज़्यादा नहीं है इस बार। अब मेरे होंठ सूखने लग गए हैं। सो गाइस, वेट हो गया है और अभी मेरा वेट है 56.4। अब एक ही दिन में मुझे चाहे 9 या 9 किलो बढ़ाना है, 64 या 65 होना चाहिए शाम तक। थोड़ा अब वीकनेस है, इतना नहीं है लेकिन देखो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, पर इतना ठीक है। अब पानी पीना है 45 मिनट तक, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर मटन मुटन। अब खाया जाएगा खाना। बस ये भी थोड़ा डाल रहा है इसमें, बहुत वो कर रहे थे कल ये। क्या आम का हो गया? अच्छा नहीं गया? टेस्ट तो नहीं मर गया इसका, स्लो कर रहे हैं दवाई दवाई जैसे चेस आ रहा है। हाँ यार, ये यहाँ का आम है शायद। नारियल पानी दो यार, नारियल पानी पियो यार, ये रख दो। संतरे का बना दी।